सदस्यों से मिला हूँ। सदस्यों ने कुछ शिकायत भी की, जहाँ तक परिवार से जो बातचीत हुई है वो हमारी अलग बातचीत है। आम मीडिया के लोग हैं, हर चीज को समझते हैं। राजनीतिक लोग अपनी तरीके से डिफाइन करते हैं चीजों, लेकिन जो कुछ हुआ है वो सवाल खड़ा करता है सरकार के ऊपर। जो घटना हुई जेल के अंदर, उन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं। कोई आज बात मैं कह दूं, आप मेरे जितने भी भाषण हैं विधानसभा के या विधानसभा के बाहर, जब कभी प्रेस से बातचीत हुई है, उस दौरान मैंने ये कहा कि सबसे ज्यादा भेदभाव अन्याय इस सरकार में लोगों के ऊपर हो रहा है, और कस्टोडियल डेथ में भी ये सरकार और प्रदेशों से आगे जाना चाहती है। आपको याद होगा मैं बलिया में जब आया था, एक व्यापारी परिवार से मैं मिला था, उसकी शिकायत ये थी पुलिस प्रशासन जानता था, सूदखोर उसके दबाव बना रहा था, लाइव उसने अपनी जान दे दी थी, लाइव जान दी थी। उसके बाद एक और परिवार से मैं मिला था, चौकी के पास उस छात्र नेता को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया था। जेल में घटना होना, थाने में घटना होना, मुख्यमंत्री आवास के सामने न्याय के लिए आत्मदाह कर लेना, तहसील के आगे जाकर के लोगों का या किसी को न्याय नहीं मिला उसने आत्मदाह किया है, जाने गई हैं और इस सरकार को कोई परवाह नहीं है। जहां तक इस घटना का सवाल है, कितने वर्षों से सजा खुद पाया, और जिस व्यक्ति ने खुद कहा हो कि मेरी जान ले ली जाएगी, जहर दिया जा रहा है, उसके बाद सरकार ने क्या किया? और ये पहली घटना नहीं है ऐसी, इससे पहले भी पूर्व में जिन जिन लोगों ने कहा कि मुझे खतरा है जान का, मुझे सुरक्षा दे सरकार का, आवाज नहीं दे रहे ना, इधर आइए आप, अब ये परिवार का दुख बांटते हैं। और जो घटना हुई वो शॉकिंग है सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए, और तब बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है, और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इंस्टीट्यूशंस में भरोसा कम हुआ है। हमने आपने उत्तर प्रदेश में देखा है लोग अपने न्याय के लिए आत्मदाह तक कर रहे हैं, तहसीलों में जान गई, मुख्यमंत्री आवास तक लोग और जाकर के आत्मदाह क्या है, मुख्यमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री की ऑफिस हो, जेलों में जान गई, थानों में, अस्पतालों में, और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है? इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जो भी कानून व्यवस्था में बाधक बनेगा उसका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। ये भाषा मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है। इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट है, थाना है, तहसील है, वहाँ न्याय मिलेगा। ये जो भाषा बोली जा रही है, ये भाषा इसलिए बोली जा रही है कि वो वोट चाहते हैं, क्योंकि विकास किया नहीं, काम किया नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की दुख तकलीफ दूर नहीं हुआ, आय बढ़ी नहीं, किसान के सामने किस मुंह जाएगी सरकार? नौजवानों को जो नौकरी छीन ली, पेपर लीक हुए, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इन घटनाओं से लाभ लेने के लिए सरकार कर रही है, या सरकार घटना करा रही है जिससे लाभ ले लें? क्योंकि उनके पास बेरोजगारी का सवाल जो खड़ा है उसका जवाब नहीं है। क्या पेपर नहीं लीक नहीं हुए? कोई सरकार ये बता दे इतने पेपर लीक हुए हो,
एक दो तीन चार पेपर नहीं, नौ नौ दस दस पेपर लीक हुए कि नौजवानों को क्या जवाब दोगे आप? मैं इनके भाषण सुन रहा हूँ, पेपर लीक पर क्या बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे क्या बोल रहे हैं, अग्निवीर का जवाब क्या है इनके पास? इसलिए जानबूझ करके सरकार समाज में हाई बनी रहे, जाति तारंसारी नाम लिया, उनके दादा उनके नाना का योगदान क्या देश की आजादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में किन वजह से चीजें बदली, लेकिन समाज और परिवार और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं, क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देकर नहीं मारा गया? रशिया में नहीं मारा गया क्या? कितने लोगों की जान चली गई रशिया में? अभी लीडर ऑपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके और जेल में नहीं जहर दे दिया गया? आप सोचो, भारत सरकार पे आरोप है लगा कि आप हमारे देश में हत्या करा रहे हो। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या अमेरिका में आपने जिसको सुपारी दी थी वो नहीं पकड़ा गया? एक अधिकारी और एक व्यापारी मिलकर के एक हत्या कराना चाहते थे अमेरिका में, वो व्यापारी क्या जेल में नहीं है? सोचो आप, क्या कल्पना करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम विकसित भारत बनेंगे, क्या विकसित भारत की यही डेफिनेशन होगी कि हम दूसरे देश में जाकर के हत्या करा देंगे? क्या भारत पे हत्या का आरोप नहीं है? एक व्यापारी, उसने $1,00,000 देने की बात की और हत्या कराने की प्रयास किया दूसरे देश में, पकड़ा गया, जेल में है, भारत सरकार का अधिकारी शामिल था। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत सरकार पे आरोप नहीं लगाया? क्या रूस जैसा पड़ोसी देश में क्या एक लीडर ऑपोजिशन की नहीं जेल में हत्या हो गई? इन बातों को सब जानते हैं आप, भरोसा बढ़े। और सोचिए आप, इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रही हैं, हम किस पे भरोसा करें? हम पुलिस से शिकायत करें, पुलिस न्याय नहीं दे रही है। हम किसी अधिकारी से बात करें, अधिकारी न्याय जनता को नहीं दे रहा। तो इन इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया, ये आरोप कोई हम लोग नहीं लगा रहे हैं। क्या हमने आपने नहीं पढ़ा कि गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा ये आखिरी चुनाव डेमोक्रेसी का, अपने बोर्ड से बचा लो। अगर बोर्ड से डेमोक्रेसी नहीं बची तो डेमोक्रेसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रहे हैं, हम किस पे भरोसा करें? इस सरकार ने भरोसे को और सच्चाई को मारा है। सर, मुख्तार अंसारी की जिस तरह से मौत हुई और परिवार ने और खुद मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया, क्या सीबीआई जांच की मांग करेंगे? मैंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में, कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होती है तो न्याय मिलेगा। और जो न्यायिक जांच हो रही है उसका भरोसा है ना? मुझे सरकार पे भरोसा नहीं है कि सरकार न्याय दिला पाएगी या सच्चाई सामने आएगी। लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। बांदा की जेल, और जेल में पहले भी कहा गया जो व्यक्ति वर्षों से जेल में था, आखिरकार उसे क्यों लगा कि मेरी जान को खतरा है? सरकार क्या दिखाना चाहती है? तो कम से कम सरकार परिणाम ये था कि इतनी बार वो विधायक चुने गए, जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो उसके बाद भी जनता जिता रही हो, तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रहकर के उसका दुख दर्द बांटा है। और मैं समझता हूँ पत्रकार साथी जो सवाल पूछ रहे हैं, वो सोशल मीडिया का जमाना है, आज वो तमाम स्टोरीज वहां पर हैं कि किस तरीके से परिवार ने लोगों के बीच काम किया, उनके दुख दर्द में शामिल रहे हैं। लोकतंत्र में जो जनता का दुख दर्द नहीं बांटता, दुख दर्द में नहीं खड़ा होता, उसके साथ जनता भी नहीं खड़ी होती है। और वो जिस दिन खबर सुनी लोगों ने और आज तक जिस तरीके से परिवार से लोग जुड़ रहे हैं, ये बताता है कि परिवार के लोग जनता के बीच में रहकर के उनके दुख दर्द को समझते हैं।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।